Hello everyone, I welcome you all to chemistry online live classes, and in this lecture we will study about depression of freezing point. In the previous lectures we have studied about two colligative properties, that is relative lowering of vapor pressure and elevation of boiling point. And in this lecture we will study about the third colligative property, that is depression of freezing point. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिफाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड. किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. देखिए, एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू पुट एन आइस क्यूब इन दैट वाटर, और आप इस सिस्टम को मेंटेन करेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस. वी ऑल नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, एज वेल एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर दोनों में कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज आप नहीं देखेंगे. देयर विल बी अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज ऑफ वाटर. दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा. तो ऐसे में हाउ वी विल डिफाइन freezing point. The freezing point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase. Kisi bhi liquid ka freezing point wo temperature hota hai jisme uske liquid phase ka vapor pressure aur solid phase ka vapor pressure dono equal hote hain, yani ke dono phases at equilibrium exist kar sakte hain aur dono ka vapor pressure equal hota hai. So before moving further, आप इस freezing point की definition को learn करेंगे. The freezing point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in its solid phase. यानी के एक वो temperature जब liquid phase और solid phase दोनों का vapor pressure equal होगा, तो उस temperature को हम कहेंगे freezing point. इसी के behalf पे हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो एक ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. एनालाइज द ग्राफ व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन. आप इस ग्राफ में देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है जिसके ऊपर कर्सर अभी मूव कर रहा है, इस ग्राफ में आप लोग देखिए इसके अंदर कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ है. फ्रोजन सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब यहां पर हुआ the vapor pressure of the solid phase. Frozen means solid, solidify hua hua hai solvent. So this is the vapor pressure of solid phase. Isi tarah se aapko yahan par dikhai dega liquid solvent ka vapor pressure, yani ke pure solvent ka vapor pressure. Ab aap dekhiye, isme ek point hum log yahan pe mark karenge jis point par vapor pressure of solid phase and liquid phase are equal. ये जो पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया है, इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखें कि इस पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों के वेपर प्रेशर्स इक्वल हैं. अगर यहां से आप वाई एक्सिस पे रीडिंग देखेंगे तो वेपर प्रेशर की रीडिंग आएगी, और वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का इक्वल है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर हम लोग करें, तो यहां पर हमारे पास इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर हमारे पास आएगा, जिस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा. दिस इज टी एफ नॉट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड द सॉलिड फेज बोथ आर इक्वल. अब आप जानते हैं कि अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स करें और एक सोल्यूशन बनाए, इस सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. आप देखिए इसके अंदर, यहां पर ये जो वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन का है, इट इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और यहां पर इस पॉइंट की बात अगर हम लोग यहां पर करें, जहां पर ये हमने अभी रेड पॉइंट से मार्क किया है, अब आप देखिए इस पॉइंट पर लिक्विड सोल्यूशन और फ्रोजन सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप नीचे टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो दैट टेम्परेचर विल बी टी एफ, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन.
तो आप देखिए, जब प्योर सॉल्वेंट की आप बात कर रहे थे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? द फ्रीजिंग पॉइंट वॉज टी एफ नॉट. आपने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डिजोल्व किया, सोल्यूशन बन गया. सोल्यूशन बनने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आया, दैट इज टी एफ. आप ग्राफ पे क्लियरली देख सकते हैं कि टी एफ इज लेस देन टी एफ नॉट. और दोनों फ्रीजिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ. तो अगर बात की जाए यहां पर डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ. प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? टी एफ नॉट. जब आपने सोल्यूशन बना दिया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व करके, तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया? टी एफ. और दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज डेल्टा टी एफ, वेयर डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, एंड टी एफ दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. तो आप देखिए, इस फॉर्मूला में डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा टी एफ. तो आप देख रहे हैं ग्राफ में क्लियरली वी हैव रिप्रेजेंटेड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफिकली. तो ये ग्राफ फिर से आप लोगों को डायरेक्टली बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो वी हैव एक्सप्रेस्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफिकली. इसके बाद अब हम यहां पर बात करेंगे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैथमेटिकल पार्ट की. जैसे आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सब कुछ स्टडी किया है, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर ये आर्टिकल आगे मूव ऑन करेगा. तो आप देखिए, फॉर एनी डायल्यूट सॉल्यूशन, कोई भी डायल्यूट सॉल्यूशन आपके पास हो, तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैलिटी कहें या मोलल कंसंट्रेशन कहें, इट मींस द सेम थिंग. इफ यू विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, देन यू हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट देयर. तो फॉर्मूला विल बिकम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के एफ इंटू एम. अब आप देखिए, इसमें डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल एम मोलैलिटी, जिसको मोलल कंसंट्रेशन कह सकते हैं, एंड वॉट इज के एफ? के एफ इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. केबी को हमने क्या बोला था? मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. यहां के एफ को क्या कहेंगे? मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. तो आप यहां पर देखिए, अगेन एक सिमिलर फॉर्मूला जैसा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में था, बिल्कुल वैसा ही एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर आ गया है. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. वहां पर फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. यहां पर फॉर्मूला हम स्टडी कर रहे हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. तो ऑलमोस्ट अ सिमिलर फॉर्मूला इज देयर. वहां पर इसके बाद हमने डिफाइन किया था केपी को, हाउ विल यू डिफाइन मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. अब हम यहां पर बात करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट. तो अगेन वी विल फॉर्म इट्स डेफिनेशन, यहां डेफिनेशन बनाएंगे. तो आप देखिए, इसके अंदर इफ यू एज्यूम मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन एज 1 mole/kg, अगर आपने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिसकी मोलैलिटी 1 mole/kg है, कैसे बनेगा ये सोल्यूशन? When molality is 1, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. तो आप लेफ्ट वाले फॉर्मूला में आप देखिए, जो येलो बॉक्स, ये जो हमारे पास रेड बॉक्स में फॉर्मूला है, इसमें मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखिए, क्या आएगा आपके पास? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. एम हो गया हमारे पास 1. तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास डेफिनेशन आएगी, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट यानी के एफ is defined as the depression of freezing point, yani ke delta TF. Molar depression constant is defined as the depression of freezing point for the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. To aapke paas ek solution hai, aapne 1 mole solute 1 kg solvent mein dissolve kiya hai, to molality 1 ho gayi. Is solution ke liye jo depression of freezing point hoga, wahi hoga molar depression constant. So suppose a question comes
define molar depression constant. This will be your definition. Molar depression constant is defined as the depression of freezing point for the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. अब आप देखिए, हम बात करते हैं अपने एप्लीकेशन की. आप लोगों को क्लियरली बताया गया था कि किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब आप स्टडी करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यू विल कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. यहां पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं. तो आप देखिए, एक बेसिक फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. मोलैलिटी को एक्सपेंड करके आप लोग लिख सकते हैं. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, मोलैलिटी को एक्सपेंड करके लिखा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर में डब्ल्यू ए यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट. ऊपर तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू 1000 हमने किया है इफ डब्ल्यू ए इज इन ग्राम्स. सो यूजिंग दिस रिलेशन, दिस फॉर्मूला, वी कैन कैलकुलेट एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलर क्वेश्चंस यू हैव स्टडीड इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. जिन स्टूडेंट्स ने अभी पिछला वीडियो ना देखा हो, पिछला लेक्चर अटेंड ना किया हो, तो वो लोग सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करें, एंड आफ्टर स्टडिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक बार फिर से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को स्टडी करें. दीज टू टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. तो स्टार्ट करेंगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. जैसे हमने वहां पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन किया था, ऐसे ही यहां पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन इन विच 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. तो ये है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन. आफ्टर दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहां पर. आप देखिए, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज. देखिए, हिली एरियाज में जब कभी भी स्नोफॉल होता है, सारी की सारी रोड्स स्नो से कवर हो जाती हैं. उस स्नो को वहां से रिमूव करने के लिए हम लोग सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं. सो हाउ डज दिस स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द रोड्स इन हिली एरियाज. ये जो स्नो कवर्ड रोड्स हैं, इन पे से स्नो को रिमूव करने के लिए हम कैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट की मदद लेते हैं, कैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हमें हेल्प करता है टू रिमूव स्नो फ्रॉम दीज रोड्स. Explain the phenomenon involved in this process. तो direct ये application हमारे पास है depression of freezing point का. आप देखिए, आप सब जानते हैं depression of freezing point and the melting point of ice or snow is the same thing. दोनों का value एक ही होती है. 0 degree Celsius पे water freeze भी होता है और ice melt भी होती है. So अगर non-volatile solute mix करने से अगर freezing point of water कम होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी लोअर्ड. तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. तो देखिए, आंसर आपकी स्क्रीन पर है. व्हेन सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड ओवर स्नो कवर्ड रोड्स, स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग फ्रॉम द सरफेस. जब हम सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे स्नो कवर्ड रोड्स के ऊपर, तो स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अब उसका कम हो चुका है. दस इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द रोड्स. जब पूरी स्नो मेल्ट हो जाएगी, द वॉटर विल फ्लो अवे एंड द रोड्स विल बिकम क्लियर. सो लोअरिंग ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो आइस या स्नो का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी स्नो मेल्ट हो जाती है एंड द रोड्स बिकम क्लियर. सो दिस इज एन एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्वेश्चन. So a good application of this property we have seen in this question. Now let's move on to our next question. What is an antifreeze? Give an example. देखिए, यहां बात करेंगे, एक term use हुई है, what is an antifreeze? देखिए, बात करेंगे antifreeze की. देखिए, अभी आजकल जो cars हम लोग use करते हैं, इसमें अक्सर coolant होता है.
लेकिन पहले जो अक्सर कार्स होती थी वहां हम लोगों को उसके रेडिएटर में पानी डालना पड़ता था। अगर ऐसी ही कोई कार आप सब जीरो वेदर में यूज करते हैं, अगर ऐसी ही कोई कार जिसके रेडिएटर में पानी डालना पड़े और आप उसको सब वेदर में यूज करना चाहें, सब जीरो वेदर का मतलब होता है जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो, तो ऐसे में वाटर जो होगा रेडिएटर के अंदर वो फ्रीज हो जाएगा और उस समय उस रेडिएटर की वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कुछ सब्सटेंस उस वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं जिससे वो वाटर फ्रीज ना हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डाउन हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हम किसी लिक्विड में डालेंगे टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज एन एंटी फ्रीज। तो डेफिनेशन इज ऑन योर स्क्रीन। एन एंटी फ्रीज इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू अ लिक्विड टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। एन एंटी फ्रीज इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू अ लिक्विड टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड में ऐड करेंगे टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट उसको कहेंगे एंटी फ्रीज। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूजुअली एडेड इन टू वॉटर इन द कार रेडिएटर टू एक्ट एज एन एंटी फ्रीज। कार के रेडिएटर में जो पानी होता है उसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, वो एंटी फ्रीज का काम करता है। सो एग्जाम्पल ऑफ एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज एडेड टू वॉटर इन द कार रेडिएटर टू एक्ट एज एन एंटी फ्रीज। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया एंटी फ्रीज का, इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ आफ्टर दीज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेट्स मूव ऑन टू आर न्यूमेरिकल सेक्शन। नाउ टू स्टार्ट विथ आई एम डिस्कसिंग वन न्यूमेरिकल फ्रॉम सीबीएसई ऑल इंडिया 2018। देखिए 2018 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे जो इसके सिमिलर होगा। आफ्टर डूइंग दीज टू क्वेश्चन यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि जिस तरह के क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में गिवन होते हैं उसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। केएफ ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का, यानी कि टीएफ कैलकुलेट करना है। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज गिवन, 250 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन, मोलर मास आपको ग्लूकोज का गिवन है, अदरवाइज हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते थे। केएफ इज आल्सो गिवन। तो जो बातें गिवन है उनको एक बार हम लोग यहाँ पे मार्कडाउन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो हमें 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पता है। वॉट इज दिस? दिस इज डब्ल्यू पी। फिर आपको इसका मोलर मास मालूम है, व्हाट डज इट मीन? दिस इज एमबी। फिर वाटर का मास, सॉल्वेंट का मास आपको पता है डब्ल्यू ए। और फिर आपको केएफ मालूम है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आप देखिए केएफ इज आल्सो गिवन टू यू। ये सब वैल्यूज हमें यहां पर मालूम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज यहां पर गिवन है। आपने पहले फैसला किया व्हाट इज बी एंड व्हाट इज ए। सोल्यूट ग्लूकोज इज बी एंड ए कंपोनेंट इज वाटर। मास ऑफ ग्लूकोज डब्ल्यू बी इज गिवन 60 ग्राम, मास ऑफ वाटर डब्ल्यू ए इज गिवन 250 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज एम बी 180 ग्राम पर मोल। अगर ये गिवन ना होता तो हमें फॉर्मूला की हेल्प से निकालना पड़ता। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, पूरे ग्लूकोज के लिए सॉल्व करते तो 180 ग्राम पर मोल कैलकुलेट हो जाता। इसके बाद केएफ फॉर वाटर इज गिवन। देखिए जो केएफ या केबी की वैल्यू होती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो जितने भी क्वेश्चंस में वाटर सॉल्वेंट होगा तो केएफ की वैल्यू यही रहने वाली है। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस में केएफ या केबी की वैल्यू मिसिंग है, बोर्ड एग्जाम में वो आप लोगों को गिवन आएगी। नो नीड टू लर्न दीज वैल्यूज ऑफ के एफ एंड के बी। बस हाँ ये याद रखें कि के एफ एंड के बी वैल्यूज डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सोल्यूट चेंज होने से के एफ की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, डेल्टा टी एफ की। तो फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। मोलालिटी को हमने यहां पर एक्सपेंड किया। देखिए इसमें
आप देखिए कि वैल्यूज हमें कौन कौन सी यहां पर मालूम है। तो यहां पे सबसे पहले हम उन वैल्यूज को यहां पे मेंशन करते हैं। आप देखिए इसमें वैल्यू ऑफ केएफ आपको मालूम है कितनी, 1.86। बात करते हैं वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी आपको मालूम है 60। फिर आपको एम बी मालूम है 180 ग्राम पर मोल। फिर उसके बाद आपको डब्ल्यू ए मालूम है, दिस इज 250 ग्राम। तो ये आप देखिए यहां पर ये सब वैल्यूज हमें मालूम है। वी कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर, सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर एंड यू विल हैव डेल्टा टीएफ। आपके पास आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाएगा। देखिए प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन होता है। और अगर आप डेल्टा टीएफ उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इतना टेम्परेचर कम हो गया है, यू विल हैव योर फाइनल आंसर। तो आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। टीएफ नॉट आपको मालूम था 273.15 केल्विन, डेल्टा टीएफ आपने सॉल्व किया है तो आपके पास फाइनल आंसर आया है 270.67 केल्विन। इसमें जो राइट साइड में लिखा है इसमें सिर्फ एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आप एक चीज यहां पर नोटिस जरूर कर लें, ये जो फॉर्मूला हमारे पास यहां पर लिखा है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। देखिए पहले हमारे पास कितना था यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नॉट, अब कितना कम हो गया है, डेल्टा टीएफ, तो आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा नया फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि नया फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता तो टीबी नॉट में आपको डेल्टा टीबी प्लस करना पड़ता क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बहुत केयरफुली फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर। तो इस सिंपल क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सारा डेटा हमें मालूम था, डेल्टा टीएफ हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद टीएफ कैलकुलेट किया है। So this question was from previous year CBSE questions. अब इसी के जैसा एक similar question from NCERT. So next question is on your screen now. Read the question. This is NCERT solved example. 45 gram of ethylene glycol, formula is given C2H6O2, is mixed with 600 gram of water. अब जो काम की बातें हैं उनको note down कर लेना चाहिए। तो देखते हैं हमें काम की बातें कौन कौन सी यहां पर मालूम है। तो आप देखिए यहां पर एक तो हमें मालूम है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल WP, एक हमें ये फॉर्मूला मालूम है C2H6O2 यानी के इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल हेल्प अस टू कैलकुलेट MB एंड देन वी नो 600 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमें सॉल्वेंट का मास पता है WA। आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, कैलकुलेट ए पार्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि टीएफ, और यहां पर हमें केएफ की वैल्यू 1.86 ये भी मालूम है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले डिस्कस किया था। बी कॉम्पोनेंट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ए कॉम्पोनेंट इज वॉटर, केएफ इज नोन 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, WB, WA भी हमें मालूम है, WB 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, WA 600 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्मूला की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 62 ग्राम पर मोल, कार्बन का मास 12 लेंगे, हाइड्रोजन का 1 लेंगे, ऑक्सीजन का 16 लेंगे तो मोलर मास आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन आपको राइट साइड में सारी वैल्यूज पता है, उन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करके डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टीएफ हमारे पास यहां पर आ गया है 2.25 केल्विन। अगेन फर्स्ट पार्ट देखिए, आप ए पार्ट में पूछा था द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मींस आपसे डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछी थी, तो हियर वी हैव गॉट अ फर्स्ट आंसर 2.25 केल्विन। तो ये फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। सेकेंड आंसर के लिए आप लोग देखिए इसके अंदर टीएफ निकालना था, वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमने टीएफ निकाला, यहां पर टीएफ नॉट में से डेल्टा टीएफ को माइनस कर दिया है और दोनों पार्ट के आंसर आपके सामने। डेल्टा टीएफ आप लोगों से पूछा था तो डेल्टा टीएफ वी नो,
यहां पर 2.25 केल्विन, दिस इज डेल्टा टीएफ, एंड टीएफ आपको निकालना था यहां पर, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, तो ये आपके पास आ गया 270.90 केल्विन। तो बहुत ही इजी पार्ट पूरा का पूरा, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे आप लोग और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहां पर अपने लास्ट क्वेश्चन की। आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन यू विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। दिस इज अगेन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। 1.00 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं होगा। डिसॉल्वड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमें 1.00 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मालूम है, इट मींस आपको WB मालूम है, यू नो WB। तो आप देखिए इसके अंदर दिस इज WB, 1.00 ग्राम, 50 ग्राम बेंजीन यानी कि WA, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, दिस इज 0.40 केल्विन, इतना कम हो गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट 5.12, ये आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ KF। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर से वही पुराना डेल्टा TF का फॉर्मूला अपना लगाएंगे और उसके बाद आप लोग मोलर मास MB कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार देखते हैं स्क्रीन पर, डेल्टा TF आपको मालूम है, KF की वैल्यू आपको मालूम है, WB, WA, MB आपने एज्यूम कर लिया है M, बिकॉज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकालना है। डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाएंगे, MB के लिए सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसी गिवन फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्टीमेटली सिंपल मैथमेटिक्स इज देयर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। गिवन डेटा को अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन करने की यही टेक्निक होती है, गिवन देखें क्या क्या है, क्या निकालना है, अपना टारगेट चूज करें, उसके लिए फिर स्ट्रेटेजिकली सोचें कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेस्ट ऑल इज मैथमेटिक्स, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोगों को आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा रिविजन करते रहें रेगुलरली, कुछ नए टॉपिक्स आ गए हैं और टॉपिक्स इजी हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स वेटेज का रहेगा आप लोगों के फाइनल एग्जाम में, ऑल दो चैप्टर वाइज कोई भी डिवीजन हमें नहीं मालूम है CBSE बोर्ड का, बट एक्सपीरियंस सेज कि ऑलमोस्ट 5 मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर की रहती है। सो कीप शेयरिंग the information regarding this channel and these classes with your friends. apni studies ko hamper nahi hone dena hai during this lockdown period. abhi ghar pe rahenge, safe rahenge, but apni studies ko hamper nahi hone denge. iske liye aap is channel ki information apne friends ke sath share karenge. after watching this video you have to put a like button. theek hai ji, like button press karenge taki ये हमें पता चल सके कि यू हैव सीन द वीडियो। शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड दिस लेक्चर। सो बी सेफ एट होम, यूटिलाइज योर टाइम टू द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।